खबर चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय की है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चमोली द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अंडर 14 और अंडर 18 आयु वर्ग में जिले भर से 25 टीमों ने प्रतिभाग किया। कबड्डी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। संघ के जिला संचालक राजेंद्र प्रसाद पंत ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से छात्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने को मौका मिलता है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। हमारी कबड्डी प्रतियोगिता है, पूरे जिले की है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इसका आयोजन किया है और इसमें सब मिलाकर 25 टीमें 14 वर्ष तक और 18 वर्ष तक इसको विभाजित किया गया है और ये यही नहीं हो रही पूरे देश में एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक ये हमारी पौराणिक खेल है जिसको जिंदा करने के लिए इसको फिर से उभारने के लिए कई सालों से इसका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इस प्रतियोगिता ऐसी प्रतियोगिता हमको तो आयोजित कर सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और हम सब जानते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो इसका उद्देश्य ये ऐसा है कि अपनी देश की प्रतिभाओं को अनवरत निखारते रहें, उसका अनेक प्रकार से विकास तो होता ही है, पर खेल जो है हर खिलाड़ी के लिए, हर नागरिक के लिए, कहते हैं ना साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और ये जो खेल की भावना है इससे जो है व्यक्तित्व तो विकास होता है और उसकी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण देश में इस प्रकार का आयोजन करता रहता है और उसी कड़ी के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनपद चमोली ने भी ऐसा कई वर्षों से अनवरत प्रयास किया है और सभी विद्यालयों को ये एक सूचित करते हैं पत्र के माध्यम से और फिर सभी खिलाड़ी आकर के अपनी अपनी प्रतिभा को यहाँ पर निखारते हैं।